An interfaith couple has accused a hotel administration of denying them a room just because they belong to different religions. The couple had a verbal spat with the hotel staff after they were allegedly denied the room. The hotel staff, however, refuted the claims made by the duo. हिंदू मुस्लिम के बारे में हम लोग ऐसा नहीं करता सब लोग इधर ज्यादा मुस्लिम ही आता इधर मुस्लिम लोग की ज्यादा हमारा 70-75% चेक इन मुस्लिम ओनली देर इज नो इश्यू फॉर द हिंदू मुस्लिम वी आर गिविंग हिंदू मुस्लिम ऑल्सो दे हैव प्रॉपर आईडी दैट्स ऑल बट उनके पास नहीं था प्रॉपर आईडी प्रॉपर आईडी भी नहीं था लगेज भी नहीं था बिना लगेज का आया था और पहले आकर के उन्होंने क्या डिमांड किया आपसे आधा घंटे के लिए डिमांड किया उसके बारे में हमारा कैशियर ने मना किया मना करने के बाद एक दिन के लिए पूछा एक दिन के लिए बात किया रेट गेट सभी बात किया बोला आईडी कार्ड पूछने के आईडी कार्ड बराबर नहीं दिया और लगेज भी नहीं था इसलिए मना किया रूम तो रूम हो गया। नहीं सस्पिशियस हम लोग ऐसे बिना लगेज के सस्पिशियस मतलब सस्पिशियस नहीं उसमें बिना लगेज का हम लोग नहीं रूम नहीं देता तो उसके बाद क्या हुआ अकेला आए तो थोड़ा सा लगेज होने से आईडी कार्ड लेकर देता उन्होंने बताया कि वो हस्बैंड वाइफ है इधर नहीं बताया हम लोग को आईडी भी नहीं दिया इन लोग इधर बताया नहीं हम लोग हस्बैंड वाइफ ने करके नहीं बताया तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने अब तो फेसबुक पे लिखा है कि हमको बैंगलोर के होटल ने दिया नहीं या जो भी वही ऐसे है ना बिना लगेज का था और प्रॉपर आईडी नहीं था हम लोग कैसे पता चलेगा वो लोग हस्बैंड वाइफ करके ये आईडी दिया तो हम लोग देता था द इंसिडेंट टुक प्लेस एट होटल ऑलिव रेजिडेंसी इन बेंगलुरु